नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवनीत और आप देख रहे हैं नवनीत वज। अगर आप कैमरे की दुनिया में नए हैं और आप एक नया DSLR कैमरा खरीदना चाहते हैं तो ये काफी मुश्किल हो जाता है कि आप कौन सा कैमरा खरीदें, क्योंकि मार्केट में अलग अलग प्राइस रेंज और अलग अलग फीचर्स के हिसाब से इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं कि ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनन EOS 200D के बारे में और जानेंगे कि क्या ये कैमरा एक यूट्यूबर या बिगनर फोटोग्राफर के लिए अच्छा है या नहीं, और इसे हमें खरीदना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आगे आपको कुछ बेसिक फीचर्स इस कैमरे के बारे में बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम कैनन EOS 200D के बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैमरे के साथ साथ इस बॉक्स में और कौन कौन से एक्सेसरीज हमें प्राप्त होती है। बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें मिलता है एक मैनुअल, एक चार्जर, एडाप्टर और बैटरी। उसके साथ हमें 16GB का एक मेमोरी कार्ड मिलता है, साथ में कैमरे के लिए एक स्ट्रैप, ये कैमरा बॉडी, और इसके साथ हमें दो किट लेंस मिलते हैं जो कि 18-55mm और दूसरा 55-250mm का लेंस है जो कि STM लेंस होता है। बॉक्स में जो हमें एक मैनुअल दी गई होती है, इसमें कैमरे को ऑपरेट करने के साथ साथ कैमरे के बेसिक फीचर्स की जानकारी दी गई होती है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, कैनन EOS 200D को हाथ में लेते ही आप फील करेंगे कि ये काफ़ी लाइटवेट DSLR कैमरा है। कैनन EOS 200D कैनन के सबसे बेस्ट लाइटवेट DSLR कैमरों में से एक माना जाता है, जो कि व्लॉगिंग या आउटडोर शूटिंग करने के लिए फ़ायदेमंद है। चूँकि यह कैमरा लाइटवेट है, हम बिना ट्राइपॉड के इसे बहुत समय तक कंट्रोल कर सकते हैं और बेहतर तरीके से शूटिंग कर सकते हैं। बैटरी को चार्ज करने के लिए एडाप्टर हमें इस कैमरे के साथ मिलता है, और अगर हम कैनन 200D की बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और एक बार फुल चार्ज करने के बाद आप करीब 600 फोटोज क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ हमें ये स्ट्रैप मिलता है जो कि आप कैमरे में लगाते हैं, साथ ही हमें एक 16GB का मेमोरी कार्ड भी मिलता है। दोस्तों, ये कैमरा दो किट लेंस के साथ आता है। जो हमें पहला किट लेंस मिलता है वो 18-55mm का होता है, और हमें जो दूसरा लेंस मिलता है वो 55-250mm का किट लेंस होता है जो कि एक STM लेंस है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कैमरा स्मॉल, लाइटवेट और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। इस कैमरे के साथ आपको एक टच स्क्रीन मिलता है जिसको आप 180 डिग्री में मूव कर सकते हैं, जो कि इस कैमरे को और भी खास बनाता है। कैमरे के नीचे की तरफ आपको यहाँ पे बैटरी इंसर्ट करने का स्लॉट दिया गया है, और उसके जस्ट बगल में मेमोरी कार्ड का भी स्लॉट दिया गया है। तो अभी हमने बैटरी और मेमोरी कार्ड दोनों को असेंबल कर लिया है, अब हम इस कैमरे में लेंस को असेंबल करेंगे। लेंस को असेंबल करने के लिए यहाँ पे हमें एक वाइट मार्किंग दी गई है जो कि कैमरे और लेंस दोनों में हमें दी गई है। लेंस को असेंबल करने के लिए इन दोनों वाइट मार्क को एक साथ मिलाना है और फिर उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, इस तरह से।
लेंस को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ नीचे की तरफ बटन को प्रेस करना है और उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। कैमरे के टॉप राइट कॉर्नर पे हमें ऑन ऑफ का बटन मिलता है। एक बार ऑन करने से यह फोटो मोड में चला जाता है, जबकि वीडियो शूट करने के लिए हमें एक बार और इसे मूव करना होता है। कैमरे के लेफ्ट साइड में एक बटन होता है, जिसको क्लिक करके आप फ्लैश लाइट को ओपन कर सकते हैं। इस कैमरे की सबसे बड़ी खासियत में से एक खासियत यह है कि यह कैमरा वाईफाई इनेबल्ड है, जिसको आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें खींचे हुए फोटो और वीडियोज़ को अपने मोबाइल पे डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैमरे के नीचे की तरफ ये ट्राइपॉड का एक पॉइंट दिया गया है, जिसको आप वीडियो शूट करते समय यूज कर सकते हैं। कैमरे के इस तरफ आपको एक माइक का आउटपुट मिलता है। आप जब वीडियो शूट कर रहे होते हैं या व्लॉग बना रहे होते हैं, आप यहां पे अपना माइक को कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बात अगर कैमरे के फीचर्स की करें तो यहां पे बहुत सारे इनबिल्ट ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे ऑटो फोकस, मैनुअल, स्पेशल सेंस इत्यादि। यानी कि आप अलग अलग मोड का यूज करके आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी स्क्रीन पे आपको टीवी मोड दिखाई दे रहा है, आप जैसे जैसे इसको मूव करेंगे ये अलग अलग मोड्स आते जाएंगे। जैसे यहाँ पे एवी मोड हो गया, आगे मैनुअल एक्सपोजर हो गया, क्रिएटिव फिल्टर्स हो गया, स्पेशल सीन्स हो गया। अगर आपको जैसे स्पेशल सीन क्या होता है तो जानना है तो आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन आपको नीचे की तरफ दिखाई देंगे। और जब यहाँ से आप चूज सीन्स करते हैं तो आपको किस तरह की फ़ोटो चाहिए, आप उस हिसाब से सेटिंग को कंट्रोल करके सेट कर सकते हैं। सेट करने के लिए आपको इन चार बटन का यूज करना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए। जैसे ये अलग अलग कैटेगरी है, आप कोई भी एक सेट करके उसको सेट करें और फिर आप फोटो को क्लिक कर सकते हैं। वैसे आपको क्रिएटिव ऑटो का एक ऑप्शन है, फ्लैश ऑफ ऑप्शन है, ऑटो फोकस ऑप्शन है, तो इस तरह के आपको बहुत सारे इनबिल्ट ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप किसी भी एक को सिलेक्ट कीजिए और आप फोटो खींच सकते हैं। इनमें दिए गए बहुत सारे ऑप्शंस में से आप किसी भी एक ऑप्शंस को चुनकर फोटोज़ को क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्रिएटिव फिल्टर्स अगर आपको अपने आप सेट किया है तो इसमें भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप इनमें से भी किसी एक को चुन करके फ़ोटो क्लिक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो इस तरह से अलग अलग मोड में मैंने अलग अलग फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं और ये कैसे ऑपरेट होता है, लेकिन अब इस वीडियो को कंक्लूड करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या ये कैमरा आपको खरीदना चाहिए या नहीं। तो पर्सनली ये कैमरा मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इस रेंज में ये कैमरा मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है। हालाँकि जब मैं भी कैमरा ले रहा था तो मुझे भी दो तीन कैमरों में डाउट था, तो इस कैनन के अलावा मैंने निकॉन D5600 का भी ऑप्शन देखा था, लेकिन काफ़ी जांच परखने के बाद मुझे ऐसा लगा और कि मैं कैनन EOS 200D की तरफ जा सकता हूँ। अभी तक मैंने इस कैमरे को जितना भी यूज किया है तो उससे मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है कि ये कैमरा वाकई में एक काफ़ी बेहतरीन DSLR कैमरा है। हालांकि अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप दूसरे ऑप्शंस भी देख सकते हैं, लेकिन इस रेंज में आपको इससे अच्छा कैमरा शायद मिलना मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से आप इस कैमरे को ख़रीद सकते हैं और एज ए बिगनर आप इस कैमरे को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के
आप हमें बता सकते हैं। नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर वापस आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।